नालागढ़ के पंजेहरा के गांव झाजरा में पूर्व विधायक राणा लखविंदर के रिश्तेदारों और ग्रामीणों के बीच स्टोन क्रेशर के रास्ते को लेकर हुए झगड़े के मामले में नालागढ़ के विधायक के ठाकुर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नालागढ़ प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और सड़क पर प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। नालागढ़ प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए सड़क पर रोष प्रदर्शन कर नालागढ़ थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, जाति सूचक शब्द बोलने के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की और लोगों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसके बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर भी धरने पर बैठ गए और एसडीएम कार्यालय छोड़कर चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झगड़े में घायल महिलाओं के साथ लेकर ग्रामीण एसडीएम के पास गए और एसडीएम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व विधायक के रिश्तेदारों द्वारा पहले लोगों को हवा में गोलियां चलाकर डराया जाता है और उसके बाद पंजाब से गुंडे बुलाकर निहत्थे महिलाओं को हथियार से बुरी तरह पीटा गया। नालागढ़ के विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा है कि नालागढ़ में इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक हमलावरों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। एसडीएम द्वारा नालागढ़ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत लगातार मिल रही है। उसमें एसडीएम को लताड़ते हुए कहा कि गरीब लोगों से उचित व्यवहार करें। नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। पोते जिनके में नाम है अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, लक्ष्मण उधर बाकी उन्होंने आगे जो गेस्ट फैलाते हैं बिल्कुल खतरनाक बंदे हैं, उनका इलाज किया जाना चाहिए ऐसे बंदे का। ठीक है, हमारे ऊपर गांव वालों ने पथराव किया जी, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जब हम एक एक लेडी जा रही थी और एक एक लेडी को पांच पांच आदमी मार रहे थे, छह छह आदमी मार रहे थे, तो हमारा जब रोना था चिल्लाना था उसको सुन के हमारे गांव वालों ने हमें बचाने के लिए ऊपर से पथराव किए, तो हमें सुनाना नहीं था क्या उन्होंने? हाँ जी, वो बोल रहे थे कि हाँ उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया, तो हमने तो अपने प्रोटेक्शन में उनके ऊपर पथराव किया जी। क्या नाम है जी? शांति जी। क्या वार्ड पंच है? हाँ जी। अच्छा, क्या होया था मामला? तो उस मौके पर लड़ाई गई, जब उसे लड़ाई लगी हुई थी तो कहते आप भी तुम आगे, तुम्हारी आगे तुम भी। हाँ जी, तुम्हारी क्या लड़ाई होती है? मोंटी ने बोल दिया जी। हाँ, ये जो आपको चोट लगी है, आपके ऊपर किस चीज से हमला किया गया? डंडों से मारा सिला, कोई हथियार वगैरह थे? रोड थी जो उनके पास, रोड थी, रोड ने नियते गांव वासियों पर इदा वार किया, लुक छुप के बाहर दे गुंडे तत्त बुलाए हुए थे, जिदा ना असि वीडियो विच भी देखिया, मौके पर तो असि है नहीं थे, पर चलो चाहे चज्जरा हो, चाहे कश्मीरपुर हो, चाहे पंजहरा हो, असि सारे एक है। ऐसा अगर किसी दे पिंड पर जाके और गांव पर जाके लोग धक्काशाही करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये असी बर्दाश्त नहीं करूंगे। जिन्हें भी मेरे प्रधान है, जिन्हें मेरी पंचायत है प्रधान उप प्रधान, असी सब रजैन दे दूंगे जे ऐसा धक्का होया भाई भी, असी ऐसा धक्का बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत कश्मीरपुर का है भाई, चक्कर यह है भी भाई देखो एक जगह क्रैशर लगाना, सानू क्रैशर से कोई इतराज नहीं है भी क्रैशर लगे, चलो जी हम मैदान है, कब्रिस्तान है, ये पहले भी उत्थे बने हुए हैं, उन्होंने छड़ के भाई होर पास से काट लो रास्ता अगर किसी निकलता है, जब इदा नहीं हुई है चलो कुछ गांव वाले गए होने बेचारे रोकण उनके लाठी चार्ज कर दे बिच पिंड बिच बढ़ के घेराव जो है। तो बताया मैंने आपको इसलिए करना पड़ा कि ये जो वारदात हुई है, पुलिस लेट पहुंची, एसडीओ साहब के पास गए लोग, उनको झाड़ा गया उल्टा, जिनके बाहें टूट गई, टांगे गर्दने लोगों बाहर किया, तो उल्टा कहा कहता रोके नहीं डराना, देखो वो बड़ा भारी, अगर आईएएस बन गया भगवान जाने कैसे बन गया, तो कम से कम लोगों को तनख्वाह देती है सरकार, तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए, लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार जनता के साथ कर रहे हैं, गरीब जनता के साथ। अगर इतना बड़ा लैंडलॉर्ड है वो, तो कहे को नौकरी करता, कुछ और कर ले काम जाकर वहाँ।
अगर हमारी जनता को ऐसे डराना है नालागढ़ में, सिर्फ जनता को, और जो लोग बताते हैं कि काम कोई होता नहीं है वहाँ, एसडीएम हाउस में यही बताते हैं उनके बारे में, चलो हट के बात करता हूँ मैं, कोई काम नहीं लोगों का होता है, कोई फाइल नहीं निकलती है, चाहे वकीलों से बात कर लो, चाहे आम जनता से बात कर लो, कोई काम नहीं होता है। अगर कोई आम आदमी चले जाए एसडीएम के पास, मैंने किसी नहीं सुनते हैं। हाँ तो मैंने भी कई बार फोन किए, मैंने फोन किए कि वहाँ रास्ता रोक दिया। हाँ जी, 10 दिन तक नहीं कोई पुलिस पहुंची वहाँ, उसको फोन नहीं कर सकता वो बंदा। हम लोग निचले इंदौले में, आपको याद है निचले इंदौले में रास्ता रुका था, मुझे पुलिस को खुद भेजना पड़ा फोन करके, डायरेक्ट फोन पे। एसडीएम की हिम्मत नहीं पड़ी पुलिस को फोन कर दे रास्ता रुकने पे। फिर आप गुल्लरवाला कसौली में 15 दिन से रास्ता रुका हुआ है, एसडीएम को भी एप्लीकेशन दी और पुलिस को भी दी, और वहाँ तक नहीं रास्ता खुला वो, और ये रास्ता इसको रात को भी लोग जाते, दिन को भी जाते, पुलिस सारे सारे सब एक एक जगह के लिए लगे हुए हैं। तो कानून के ऊपर वो भी नहीं है, वकील तो बिल्कुल भी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, वकील है तो क्या हो जाएगा, वकील है तो ये बात जो है तो ये बहुत गलत बात है। मैं कल से कह रहा था कि दो बातें मेन जो है, तो मारा धड़ा जो किया है बाहर के लोगों ने, FIR लॉज हुई है, मैंने FIR में देखी क्या धाराएं लगी है। हाँ एक और सुना है जो मुझे बताया गया है, वो तो पेपर में पढ़ा है, क्रॉस कर दिया। अगर आपने बचाव में पत्थर भी उठाए हैं तो या तो अपने चोटे बता रहे कौन सा फ्रैक्चर हुआ उनका, तो केस हो वो देखे इनके चोटे लगी है। अगर डराने के लिए, एक मिनट सुन लो मुझे, अगर डराने के लिए आपने अपने बचाव में पत्थर उठाए हैं, तो जब उसके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की जा रही हो। क्या नाम है जी? जसविंदर बोल रहे हैं। बाढ़ पंच है? हाँ जी, बाढ़ पंच। अच्छा, क्या होया तुहाडे नाल? तुसीं दस्सो। कल लड़ाई हुई गांव वालों के ऊपर, मारपीट किया उन्होंने, असि भी चल गए, सारे गए, बोलते तुम भी आ गई, तुम तो चमार जात की है। अच्छा, किसने कितने काफी लोग थे वहाँ, मोटे मोटे मुंह भी लगे हुए थे उन्होंने, बीच बीच मुंटी काका। अच्छा, मेवा जो आज धरना प्रदर्शन है थाने का घेराव किया, किस मामले को लेकर किया? क्या जैसे आप सबने पिछले कल से सोशल मीडिया पर देखा है, देख रहे हैं, मैं कल स्टेशन से बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन नालागढ़ से बाहर था। हाँ जी, सर कर सर। देखो सर जी, असी गांव के सीधे साधे लोग हैं जी, ठीक है जी, सानू नहीं पता साढ़े नाल ऐसा होना जी, असी सीधे, हाँ जी, साढ़े आदमी भी घर पर नहीं थे, दो चार जो थे बेचारे सानू छड़ाने वास्ते ये जी, उन्होंने उनके ऊपर भी हमला किया जी, अस तो चुपचाप खेतों में चले हुए थे जी, रास्ते में लेडीज खड़ी थी, मेरे पास पिक भी है जी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, रास्ते में लेडीज खड़ी थी, मेरे साथ की एक दो लेडीज और थी आगे आगे, मैं भी देखने वास्ते चल गई जी अगे, मैं भी खेतों में चली हुई थी जी, ठीक है जी, और आगे लेडीज खड़ी थी, उनके साथ में आदमी भी खड़े थे, पहले उन्होंने हमें रोका, ठीक है जी, पहले उन्होंने हमें रोका, उसके बाद गाली गलौज करने लगे, और उसके बाद उन्होंने हमें मारपीट करनी शुरू कर दी, और जो मतलब कि हम तो अपने खेतों को जा रहे थे, वो बोलते हैं कि हमारा जमीनी जो है वो है, मतलब कि जो भी हमारा झगड़ा है जमीनी है, हमारा कोई जमीनी झगड़ा नहीं है जी, इतने सालों से वो आ रहे थे जा रहे थे, 20-25 साल से उन्होंने वहाँ पे जमीन खरीद रखी है, हमने उनको कभी नहीं रोका। नहीं, जो कल जो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या इससे संतुष्ट नहीं है? इन्होंने पूरी कार्रवाई कर दी है, जिसने मुझे मारा, ठीक है जी, ये देखो जी मेरे पास पिक है, लेडीज थे साथ साथ में खड़ी, हम उनसे बात कर रहे थे, उनके बीच में से मोंटी और काका लली वकील सुबिंदर वकील और मैं और उनके साथ थे 5-6 लोग, ठीक है जी, 6 लोगों ने मारा। क्या नाम है? मेरा नाम संजू देवी है। आज धरना प्रदर्शन है, किस मामला क्या था? हमारा कोई मामला नहीं था जी, वो हमें क्रेशर का, हमें कोई लेन देन नहीं है उनका, वो क्रेशर लगाए ना लगाए, हमने सिर्फ उनको ऐसा ही कहा था कि हमारे यहाँ से ग्राउंड का रास्ता है, हमारे बच्चे 3 बजे से दौड़ लगाते हैं ग्राउंड में जाकर, और हमारा कब्रस्तान भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है, बच्चों का जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मरते हैं उनको वहाँ दफनाया जाता है, उन्होंने वहाँ से जबरदस्ती सड़क निकाल दी है, मशीनें चलाई। कल हमें पता नहीं था, ना हमारे बच्चे घर पर थे और ना हमारे आदमी घर पर थे, हम लेडीज भी पूरी वहाँ नहीं थी घर पर, और हमारे पीछे से आकर ना 10-11 बजे का टाइम था, हमने टाइम तो देखा नहीं है कितने का टाइम था, 11 बजे थे तकरीबन, उन्होंने आकर वहाँ से पंजाब से गुंडे लेकर आए,
कुटमार करती जी है तीनियां बाहर निकली सड़क के बीच आके कुटमार शुरू करती उन्होंने जिया एक दो आंधी थी वो हटा लेते हैं साडे हाथों में कुछ नहीं था उन्होंने पत्थर चके हुए थे उन्होंने फायरिंग की बंदूकें चकियां थी खैर कितने पहला उन्होंने जो आज धरना प्रदर्शन किया पुलिस के खिलाफ किया क्या पुलिस का क्या रोल था ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।